बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स लगातार जो है एसटीएफ की सर्जिकल स्ट्राइक जारी है, विकेट नंबर 35 जो है डाउन कर दिया है उत्तराखंड एसटीएफ ने। पूरी कहानी इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो मेरे साथ आप अंत तक बने रहिएगा। लेकिन इससे पहले चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। उसके अलावा आप हमें टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स ब्रेकिंग न्यूज अभी आपकी आ रही है कि पेपर लीक मामले में एक और गिरफ्तारी, अभियुक्त निकला पैरा मेडिकल और आयुर्वेदिक कॉलेज का मालिक संदीप शर्मा जसपुर उधम सिंह नगर से जो है एसटीएफ ने इनको जो है गिरफ्तार कर लिया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है कि एसटीएफ ने जो है 35वीं गिरफ्तारी कर ली है। इसके साथ ही ट्रिपल स्तरीय स्नातक पेपर लीक मामले में पूर्व में गिरफ्तार 4 अभियुक्तों की जो है जुडिशियल रिमांड की कार्रवाई भी सचिवालय रक्षक परीक्षा लीक मुकदमे में की गई है। यानी कि ये दो बड़ी अपडेट है कि पहला ट्रिपल एससी पेपर लीक मामले में 35वीं गिरफ्तारी हुई है, उसके अलावा जो है सचिवालय रक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में 4 अभियुक्तों की जो है जुडिशियल कस्टडी जो है कि रिमांड की जो है यहाँ पर कार्रवाई कर दी गई आगे। उसके अलावा वन दरोगा ऑनलाइन परीक्षा मामले में भी 2 अभियुक्त पहले ही यहाँ पर जो है गिरफ्तार हो गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले कुछ दिनों में इस प्रकार अलग अलग दर्जन 3 मुकदमों में लगभग 38 लोगों की यहाँ पर जो है गिरफ्तारी हो गई है। उसके अलावा यहाँ पर जो बड़ी खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है उत्तराखंड के सख्त निर्देश के क्रम में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, इसीलिए पेपर लीक मामले में फरार 2 अपराधी क्रमशः सादिक मूसा निवासी अंबेडकर नगर यूपी पर 2,00,000 का इनाम, जैसे कि हमने आपको कल आफ्टरनून के वीडियो में बताया था कि पहले इन पे 25,000 रुपए का जो है इनाम था, अब इसको बढ़ाकर 2,00,000 रुपया कर दिया गया है। वहीं गाजीपुर उत्तर प्रदेश के जो हैं ठीक है योगेश्वर राव, उस पर जो है 1,00,000 रुपया, मूसा पर 2,00,000 रुपये का इनाम जो है यहाँ पर रखा हुआ है। तो ये कहना है पुलिस महानिदेशक जो है डीजीपी सर ने जो है ये बयान दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पेपर लीक मामले में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड एसटीएफ ने पेपर लीक मामले में गिरफ्तार अभियुक्त संदीप शर्मा पुत्र स्वर्गीय राजेश शर्मा निवासी जुलहान मोहल्ला जसपुर उधम सिंह नगर, अभियुक्त ने अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर गाजियाबाद के एक फ्लैट में जनपद उधम सिंह नगर एवं जनपद हरिद्वार के कई अभ्यर्थियों को ले जाकर प्रश्न पत्र हल कराया गया था। तो आप देख सकते हैं ये मामला किस तरह से पूरी तरह यूपी और उत्तराखंड से कनेक्टेड है। लगातार जो है अभ्यक्ति जो है यूपी से यहां पर गिरफ्तार हो रहे हैं। अब बात करते हैं इस अभियुक्त की जो गिरफ्तार हुए हैं, जसपुर और ठाकुर द्वार में आयुर्वेदिक और पैरा मेडिकल सहित यहां पर इनके 3 कॉलेज हैं। अभियुक्त से पूछताछ और अन्य जानकारी के आधार पर 2 दर्जन के करीब छात्रों की चिन्हित किया गया है। उत्तराखंड एसटीएफ द्वारा गवाहों और बयानों के टेक्निकल साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को अरेस्ट कर लिया गया। इस गिरफ्तारी से उत्तर प्रदेश में नकल माफियाओं के धामपुर के बाद गाजियाबाद में हुई नकल सेंटर का पर्दाफाश करने में एसटीएफ ने जो है सफलता पाई है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार इस मामले में गिरफ्तारियां हो रही हैं और इसके तार एक जगह से दूसरे जगह से बार बार कनेक्ट हो रहे हैं। आपने देखा होगा इससे पहले जशपुर, काशीपुर, मोरी, उत्तर काशी से लेकर तमाम चीज़ें, पहले ये मामला पूरा उत्तराखंड का था, धीरे धीरे बैक टू हुआ बिजनौर, धामपुर, अब होते हुए सीधे गाजियाबाद पहुंच गया। और जिस तरह से यूपी के इसमें 2 लोगों का इन्वॉल्वमेंट है जिसपे 2,00,000 और 1,00,000 का इनाम है, कहीं ना कहीं ये मैटर बहुत ही बड़ा है। अब वाकई में क्या वो बिग फिश, वो बिग क्रोकोडाइल कब तक एसटीएफ की पकड़ में आती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। क्या वाकई में आएगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी आप मुझे टेलीग्राम से भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।